तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 अब पूरी डिस्कस कर ली है। आई होप आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके देखे हैं, और आपको जहां डाउट आ रहा है आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब हम लोग सेक्शन 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है होमोजीनियस फंक्शंस। तो देखिए, हम किसी फंक्शन को होमोजीनियस कब बोलते हैं? अब फंक्शन एफ एक्स वाई, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स कोमा वाई। इस फंक्शन को मैं होमोजीनियस फंक्शन कब बोलूंगी? ऑफ ऑर्डर एन, इफ द डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म इन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एन। मतलब इसकी हर टर्म, अब देखो टर्म क्या होता है, जैसे देखो हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, तो ये एक फंक्शन है, देखो x, y का, आपको इसमें x भी दिख रहे हैं और y भी दिख रहे हैं, पूरा फंक्शन है। उसने बोला अगर उस फंक्शन की हर टर्म, देखो जितनी बारी प्लस का साइन आता रहेगा या माइनस का साइन आता रहेगा, मतलब टर्म डिफरेंशिएट हो रही है, पहली टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये एंड सो ऑन, है ना। तो वो बोल रहे कि हर टर्म, इफ द डिग्री ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म इन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एन, हर टर्म की टोटल डिग्री एक्स और वाई की मिला करके एन होनी चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स है, वाई तो है ही नहीं, और कितनी डिग्री है एन, तो ये चलेगा। नेक्स्ट में आप जा रहे हैं, एक्स और वाई दोनों है, एक्स की डिग्री एन माइनस वन है, वाई की कुछ नहीं है मतलब वन है, तो दोनों को प्लस कीजिए, एन माइनस वन प्लस वन कितना होता है, एन ही होता है। तो इसकी भी, इस टर्म की भी डिग्री कितनी हुई, टोटल एन। ऐसी थर्ड टर्म की अगर आप डिग्री करेंगे एन माइनस टू प्लस टू, अगेन कितनी आ रही, टोटल डिग्री एक्स और वाई की एन, एंड चलते जाइए अगेन लास्ट जो आपकी लास्ट सेकंड टर्म आएगी, इसमें भी देखो x की डिग्री 1 और y की n माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे फिर से n, और लास्ट में y की पावर n, मतलब टोटल डिग्री कितनी है n, क्योंकि x की यहाँ पर है ही नहीं, मतलब 0 है ना। तो बेसिकली x की पावर देखो पहले n से शुरू करी और कहाँ तक ले गए, 0 तक, और शुरू में y की 0 से लेकर के और फिर बढ़ते बढ़ते n तक, है ना, ताकि हर टर्म का टोटल जो सम है डिग्रीज का वो एन ही बने। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। और हर देखो टर्म की, जो हर टर्म मैं देख रही हूँ उसमें टोटल डिग्री एक्स और वाई की कितनी बन रही है, एन, तो ये होमोजीनियस फंक्शन बना है ऑफ डिग्री एन। और किसी भी देखो होमोजीनियस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए अभी हमने पढ़ा ना, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा। अब देखो इसमें मैंने आपको बोला कि ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हर टर्म में टोटल डिग्री x और y की कितनी है, n, n है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैं अब x की पावर n कॉमन निकाल दूंगी इस पूरे एक्सप्रेशन में से, तो x की पावर n ही निकालना आपको। तो x की पावर n जब मैंने निकाला तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ a नोट बचा, प्लस यहां से अगर आप x की पावर n डिग्री हटा देंगे तो कितनी बचेगी, x की पावर माइनस वन, और x की पावर माइनस वन क्या बन जाएगा नीचे जाके, अपॉन में x, मतलब क्या बचा, y अपॉन x। सिमिलरली a2 इंटू यहां से निकाली x की पावर n, तो क्या बचेगा, x की पावर माइनस टू, जो कि नीचे जाके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और y पे भी स्क्वायर था, x पे भी स्क्वायर है, तो क्या बन रहा है, y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो आप जिस नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं x की पावर n बाहर निकाल रही हूं तो y और x की बेसिकली डिग्री सेम, जैसे यहाँ पे y की डिग्री जीरो थी तो यहाँ x की भी जीरो है, यहाँ y की वन थी तो नीचे अपॉन में है बेसिकली x की भी वन, फिर यहाँ y की टू तो नीचे x की भी टू, मतलब y अपॉन x का होल स्क्वायर। चलते जाओगे जब यहाँ से x की पावर n निकालोगे तो यहाँ पर क्योंकि y की पावर n माइनस वन है तो नीचे x की भी क्या बन जाएगी, n माइनस वन, मतलब ये वाली जो टर्म है n माइनस वन है, टर्म वो क्या लिखी जाएगी, a n माइनस वन y अपॉन x इस पूरे की पावर n माइनस वन, फिर प्लस लास्ट जो ये वाली टर्म है इसमें से आप x की पावर n कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, y अपॉन x की पावर n, है ना। देखो है ही नहीं ना x की पावर n यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर जीरो है बेसिकली यहाँ पर, है ना, तो x की पावर जीरो को आप x की पावर n माइनस एन लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप x की पावर n बाहर निकालोगे तो x की पावर माइनस एन, और x की पावर माइनस एन का मतलब क्या है, y अपॉन x की पावर होल n। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो x की पावर वन है देखो यहाँ पर, तो x की पावर वन में आप क्या करिए, n प्लस भी कर दीजिए और n माइनस भी कर दीजिए, और प्लस में ये वाला वन, तो आपको निकालना क्या है, फिर से x की पावर n निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर माइनस एन प्लस वन, आप इनमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ये क्या बचेगी, n माइनस वन, फिर x की डिग्री नेगेटिव में है n माइनस वन, तो अपॉन में जाके क्या बन जाएगा, x की पावर n माइनस वन। क्लियर है, तो आपको इस टाइप से इसको लिख सकते हैं।
तो आप नोटिस करेंगे जब मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से x की पावर n कॉमन निकाल लिया तो अंदर जो ये बन रहा है पूरा फंक्शन वो किस में देखो वेरिएबल में आ रहा है y upon x है ना, y upon x की पहली डिग्री 1 थी, फिर y upon x का स्क्वायर हो गया, फिर y upon x की पावर n, मतलब ये जो पूरा पॉलिनोमियल बन गया एक तरह से किस वेरिएबल में, y upon x के वेरिएबल में। तो मैं इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकती हूँ, फंक्शन ऑफ y बाय x, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशन बन जाती है फाइंडिंग की किसी भी फंक्शन u को जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन x कॉमा y, उसको मैं होमोजेनियस बोलूंगी डिग्री n टाइप का, कब, जब वो मेरा फंक्शन ये वाला, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाय x, कुछ भी हो सकता है फंक्शन अंदर वाला, वो y बाय x वाली टर्म्स लिखनी होनी चाहिए तुम्हें, और बाहर आपने x की पावर n निकाल लिया, तो हमारा इस टाइप की फंक्शन हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। देखो जैसे एक एग्जांपल है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 7x y स्क्वायर, है ना, जैसा भी हमने एक्सप्रेशन ऊपर पढ़ा था बिल्कुल उसी टाइप से जा रहा है। और आप नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म में टोटल डिग्री कितनी है 3, सेकंड टर्म में भी 2 प्लस 1 3 और थर्ड में भी 1 प्लस 2 3, तो आपका ये क्या बन रहा है बेसिकली होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, क्योंकि 3 है हर एक टर्म का। तो आप इसको अब लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में आपको x की पावर 3 बाहर निकालना है, यहां से निकाल देंगे तो 5 बचेगा, यहां से x की पावर 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा y अपॉन x, है ना, क्योंकि x की पावर 3 निकालने का मतलब क्या है कि यहां पर है तो सिर्फ x स्क्वायर, है ना, लेकिन आपको तो x क्यूब निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय x और डिवाइड बाय x कर लीजिए, यहां से x क्यूब चला जाएगा फिर, और यहां क्या बचेगा y अपॉन x। सिमिलरली यहां से भी मुझे x क्यूब निकालना है, बट है तो x की पावर 1, आपको कितने की कमी पड़ रही है, 2x की ना, मतलब x स्क्वायर की, तो आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लो डिवाइड भी कर लो, तो ऊपर क्या बनेगा x क्यूब, और x क्यूब बाहर निकाल दीजिए, यहां क्या बचेगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, मतलब y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कॉमन वाला पार्ट, वरना आपको मैंने जैसे बताया था वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जब आपने x क्यूब निकाल दिया तो उसके बाद यहां से तो चला ही जाएगा, यहां से आप क्या करते जाएंगे, डिग्री जो y की होगी ना वही नीचे x की हो जाएगी, जैसे y की पावर 1 तो नीचे x की पावर 1, मतलब y अपॉन x की पावर 1, यहां y स्क्वायर है तो x की भी क्या बन जाएगी, y अपॉन x का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अब ये देखो आप क्या है, एक्स क्यूब बाहर आ गया, और ये क्या है, सम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, तो मैंने क्या बता दिया, ये मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। सिमिलरली एक और फंक्शन दिया है यू, मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये देखो जर्नल इसी टाइप में नहीं जा रहा है ना, तो अब मेरे को, अब मैं डेफिनेशन इस वाली से चेक करूंगी कि क्या ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस है भी या नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको इस टाइप का बनाने की कोशिश करती हूँ कि क्या मतलब ये फंक्शन मेरा x की पावर समथिंग इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x लिखा जाता है या नहीं जाता है। इसमें देखो न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन रही है, तो आपको करना क्या होता है, पहली बात देखो होमोजीनियस होने के लिए कम से कम जो न्यूमिरेटर में भी दोनों टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, जैसे इसकी भी 3 इसकी भी 3 इसकी भी 1 इसकी भी 1। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से मिनिमम मतलब पावर क्या है x क्यूब ना, तो x क्यूब बाहर निकाल दो, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, और ये क्या बन जाएगा y अपॉन x का होल क्यूब, है ना, डिनोमिनेटर क्योंकि यहां था ही नहीं x क्यूब। और यहां से अगर आप x कॉम, क्योंकि यहां पे दोनों की डिग्री 1 है, यहां से x की पावर 1 निकाल दीजिए कॉमन, यहां क्या बचेगा 1 माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि x की पावर 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय x और डिवाइड बाय x कर लीजिए, x बाहर जाएगा तो y बाय x, और ये देखो बेस सेम डिवाइड तो पावर माइनस, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे क्या है, अगेन है तो फंक्शन ही ना, एक सिर्फ वाई बाय एक्स का, आपको सिर्फ वाई बाय एक्स वेरिएबल दिख रहा है, और कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एनी पावर, ये क्या है फिर से एक फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो यहां पर यू कैसा लिखा गया, एक्स स्क्वायर इंटू एफ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, तो ये भी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो आई होप आप लोगों को होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, और ठीक है उसके बाद आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर ये जो फंक्शन है कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं यहां से ऊपर भी डिग्री सेम है, दोनों के नीचे भी सेम है, मैं ऊपर से क्या कॉमन निकालूंगी x, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाय एक्स, यहां से मैं रूट एक्स निकालूंगी तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो x अपॉन रूट एक्स क्या बन जाएगा x की पावर हाफ, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये होमोजीनियस हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये जो पावर होती है ना कॉमन निकाल के वो बाहर चाहिए, और कोस इनवर्स पड़ा है अभी आगे, तो ये क्या नहीं माना जाएगा, होमोजीनियस नहीं माना जाएगा, क्योंकि x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x होना चाहिए, यहां x की पावर n बाहर तो आया ही नहीं, वो अंदर ही पड़ा है अभी, कोस इनवर्स के साथ बाउंड है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। सेम आप अगला भी देख सकते हैं, ये भी होमोजीनियस नहीं है। तो ये हमने अब अच्छे से होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर ली। तो अब आप एक थ्योरम पे आ जाइए, थ्योरम
5.5। तो देखिए 5.5 थ्योरम क्या बोल रहा है, ये याद रखनी है आपको, सारी इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स। इफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, है ना, कह रहा है कि अगर यू मेरा होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का इन एक्स एंड वाई वेरिएबल, देन बोथ डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई आर ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन ईच। वो बोल रहा है कि अगर यू होमोजीनियस फंक्शन है ना एक्स और वाई वेरिएबल का ऑफ डिग्री एन, तो जो यू का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में और जो यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जो फंक्शंस आएंगे ना, ये खुद भी क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन किस डिग्री के, एक डिग्री कम के, मतलब एन माइनस वन के। तो देखिए बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ, क्योंकि मुझे गिवन था कि यू कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो मैं यू को किस टाइप से लिख सकती हूँ और किस डिग्री का था एन ना, तो एक्स की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स टाइप का लिख सकती हूँ। फिर मुझे प्रूफ क्या करना है कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस हो जाते हैं एन माइनस वन डिग्री के। तो पहले मेरे को यू क्योंकि मालूम है, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस था तो यू तो पक्का इसी टाइप का होगा, तो पहले मैं यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालती हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स राइट हैंड साइड से। तो देखो मुझे यू का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स इधर भी पड़ा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाइए पहले इसको एज इट इज, इनटू में ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, बट क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना ये फंक्शन क्या है, तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे कर सकती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स, है ना, डेरिवेटिव का साइन लगा दूंगी, जो भी फंक्शन होगा यहां पर उसका डेरिवेटिव कैसे लिखूंगी मैं, एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स, फिर इनटू में जो अंदर चीज है वाई बाय एक्स उसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि वाई तो ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, इनटू में जो वन बाय एक्स है जो कि ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पावर रूल लगाइए माइनस वन आगे इनटू में एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, जो कि रेसिप्रोकल के नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एफ ऑफ वाई बाय एक्स एज इट इज इनटू में एक्स की पावर एन का, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर रूल लगेगा एन आगे इनटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये आ गया मेरा डेल यू बाय डेल एक्स। फिर मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना था कि डेल यू बाय डेल एक्स मेरा एन माइनस वन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब इस बार जो कॉमन निकलेगी पावर वो एक्स की पावर एन माइनस वन और इनटू कुछ भी जो फंक्शन होगा एनी फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स टाइप का, मैं इसको लिखना चाहती हूँ। तो मैं इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल रही हूँ, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन इधर से तो आसानी से निकल गई, यहां से देखो कैसे निकालोगे, ये क्या चीज है एक्स की पावर एन और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो बेस सेम डिवाइड टू पावर माइनस, यहां पर मतलब टोटल पावर कितनी है इस टर्म में, एक्स की पावर एन माइनस टू, बट आप कितनी पावर बाहर निकालना चाहते हो, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो आप देखो एन माइनस टू को मैं लिख सकती हूँ ना एन माइनस वन माइनस वन, क्योंकि माइनस टू को मैं माइनस वन से ब्रेक कर सकती हूँ, तो एक्स की पावर एन माइनस वन आप बाहर निकाल दीजिए, तो कितनी पावर बचेगी, एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन नीचे जाके क्या बन जाएगी, अपोन में एक्स, तो माइनस वन वाई ये वाला अपोन में एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स, ये मेरा इस साइड से बची, और यहां से तो एक्स की पावर एन माइनस वन डायरेक्ट निकल रहा है, तो क्या बचा, एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, और मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू जो अंदर वाला फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वाई बाय एक्स का तो फंक्शन है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है अंदर सब कुछ वाई बाय एक्स टाइप का फंक्शन, तो मैंने इसको एक कुछ और फंक्शन फाई मान दिया, लेकिन किसका, वाई बाय एक्स का। तो यहां से ये मेरी डेफिनेशन फिर से किसकी लग रही है, होमोजेनियस फंक्शन की, कि यहां पर अब मेरा यू डेल यू बाय डेल एक्स किसका होमोजेनियस फंक्शन बना है, ऑफ डिग्री एन माइनस वन का, और इनटू में फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, तो ये क्या प्रूफ हो गया, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन। सिमिलरली मुझे डेल यू बाय डेल वाई को भी क्या प्रूफ करना था, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन माइनस वन, तो यहां से मैं यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो वाई इधर तो है नहीं, सिर्फ इधर है, तो एक्स की पावर एन तो क्या ट्रीट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, इनटू में जो फंक्शन वाई बाय एक्स है उसका वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो पहले क्या आएगा, एफ डैश वाई बाय एक्स, फिर इनटू में वाई बाय एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का तो वन और नीचे वन बाय एक्स कॉन्स्टेंट, तो इनटू में वन बाय एक्स, फिर अगेन देखो बेस सेम डिवाइड पावर माइनस, तो कितनी बन जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में क्या पड़े आपका, एफ डैश एफ वाई बाय एक्स, मतलब ये क्या है, एक एफ का डेरिवेटिव और ये अभी भी फंक्शन तो किसका है, वाई बाय एक्स का ही है ना, तो इस पूरे पार्ट को मैंने कुछ नया फंक्शन साई मान लिया, किसका, वाई बाय एक्स का। तो अगेन मेरा जो डेल यू बाय डेल वाई आया है वो भी क्या है, एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, और एक्स की कितनी पावर बाहर निकली है, एन माइनस वन, तो मेरा यू का जो पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आया है डेल यू बाय डेल y, इसका मतलब वो भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, किस डिग्री का, n माइनस वन का। सो थ्योरम 5.5 इज कंप्लीटेड है ना, यही बोल रहा था ये।
तो इफ यू इज अ होमोजीनियस, तो आपको याद रखना है कि अगर मेरा यू होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई, वो किसके होमोजीनियस फंक्शन होंगे ऑफ डिग्री एन माइनस वन। तो आई होप दिस प्रूफ इज क्लियर। नेक्स्ट सी थ्योरम 5.6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके आगे क्वेश्चन में भी काफी हेल्पफुल होगी। तो यूलर थ्योरम्स ऑन होमोजीनियस फंक्शन, तो देखो क्या बोलती है ये, आयलर थ्योरम या यूलर थ्योरम कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलती है थ्योरम, इफ यू बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, दोबारा से यही बोल रहा है कि पहले तो मुझे यू कैसा फंक्शन चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन जब भी एक होता है यू फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन एक्स टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। हमेशा ऐसा होगा एक होमोजीनियस फंक्शन के साथ ऑफ डिग्री एन, मतलब अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूं डेल यू बाय डेल वाई, तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, एन इंटू यू, वेयर एन क्या है उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री और यू वो खुद फंक्शन है ना। तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट भी आपको याद ही रखना है। तो क्योंकि मुझे यू कैसा फंक्शन दिया है, देखो पहले होमोजीनियस फंक्शन किसका, डिग्री एन का, तो डेफिनेशन लगाइए होमोजीनियस फंक्शन की, मतलब यू कैसा है एक्स की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स टाइप का। फिर मुझे इसकी लेफ्ट साइड सोल्व करके राइट साइड के इक्वल दिखाना, तो मैंने लेफ्ट साइड बनाने के लिए मुझे डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई चाहिए होगा, तो पहले मैं डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रही हूँ इसकी हेल्प से, है ना, जैसे हमने पीछे निकाला था। तो कीजिए यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार ये एज इट इज इन टू इस एफ वाई बाय एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स इन टू में वाई बाय एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स एज इट इज इन टू में एक्स का एन एक्स की पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर रूल एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो फाइनली डेल यू बाय डेल एक्स आपका क्या आएगा, देखो ये माइनस वाई और देखो बेस सेम, डिवाइड द पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स प्लस एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स। फिर मुझे लेफ्ट साइड में x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए, तो मेरा जो डेल यू बाय डेल एक्स है ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x से, है ना, तो ये x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, यहां पर देखो इन दोनों को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय x करोगे पावर मतलब 1 है, तो बेस सेम पावर एड हो जाएंगे, n माइनस टू प्लस वन कितनी बनेगी पावर n माइनस वन इंटू वाई इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाय एक्स, यहां पर भी आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है मतलब, तो कितना हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन, मतलब x की टोटल पावर कितनी बचेगी n इंटू में ये वाला n इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स। सिमिलरली मैं डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगी तो x की पावर n एज इट इज, और f ऑफ y बाय एक्स का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश वाई बाय एक्स इंटू में y बाय एक्स का y के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स, और फिर से बेस सेम डिवाइड द पावर माइनस, तो ये आया। और फिर मुझे लेफ्ट साइड क्या बनानी थी आयलर थ्योरम की, वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई जो आया है उसको वाई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, और ये वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स। नाउ मुझे लेफ्ट साइड बनानी क्या थी, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, और राइट साइड क्या बन जाएगी, देखो इन दोनों का सम, और आप नोटिस करेंगे जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ये दोनों देखो सेम चीजें हैं ना बिल्कुल, x की पावर n माइनस वन इंटू वाई इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स, x की पावर n माइनस वन इंटू वाई इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स, माइनस प्लस कैंसिल आउट करके जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा n इंटू x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, और x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स तो मेरा u ही था, तो इसको हटा करके u लिख दीजिए, तो मेरा फाइनली यही मेरी आयलर्स थ्योरम की क्या थी स्टेटमेंट थी, कि अगर मेरा u होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स u, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको थ्योरम 5.6 इज क्लियर। तो नेक्स्ट लिखिए 5.7, तो ये भी एक्चुअली रिजल्ट्स ही हैं कुछ, तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो इनको भी अच्छे से करेंगे। तो यू एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन ये तीन रिजल्ट्स हैं। तो पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि एक्स टाइम्स यू का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो पहला पार्ट देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो देखो पहले पार्ट के लिए
क्योंकि मुझे यू होमोजीनियस फंक्शन दिया है ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, तो मुझे होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन मालूम है कि यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स टाइप का होगा. बट मुझे आइलर थ्योरम ने एक और चीज बताई है कि अगर मेरा यू होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन तो ये इस रिलेशन को फॉलो करेगा. मतलब एक्स टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई चीज किसके इक्वल होगी, एन इंटू यू के बराबर. तो अब मुझे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा, मुझे देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यू का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना. तो जो मेरी आइलर्स थ्योरम की जो इक्वेशन आई थी, मैं इस पूरी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, इसका भी और इसका भी. तो जब मैं इसका करूंगी तो देखो दोनों एक्स के फंक्शन है तो प्रोडक्ट टू लगेगा, पहले ये एज इट इज. फिर देखो डेल यू बाय डेल एक्स का अगर आप फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये चीज क्या होती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. फिर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन. फिर प्लस देखो ये दोनों, ये तो वाई ही है, मतलब ये तो कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, बट ये क्या है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिकली बोथ है ना, एक्स भी है इसके अंदर वाई भी होगा. तो आप इसका अगर डेल यू बाय डेल वाई का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से क्या आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स. तो फाइनली एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई. इस प्लस के डेल यू बाय डेल एक्स को मैं माइनस के डेल यू बाय डेल एक्स की तरह लेके जाऊंगी, तो डेल यू बाय डेल एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एन और उधर माइनस वन. और यही आपका फर्स्ट रिलेशन था जो कि मुझे प्रूफ करना था. ठीक है, सेकंड में आपको दिख रहा होगा यू का मुझे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए. तो इस बार जो आपकी आइलर थ्योरम है इसमें आप पूरी इक्वेशन को किससे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, वाई के रिस्पेक्ट में. तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में जब इसको, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस, यहां पर दोनों ही फंक्शन वाई के तो यहां पर आपको इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वाई एज इट इज इनटू डेल यू बाय डेल वाई का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल बाय डेल वाई, तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई एज इट इज इनटू वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इज वन इज इक्वल टू एन टाइम्स यू का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई, फिर से ये प्लस की चीज मारे के माइनस में जाएगी तो एन इंटू डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल यू बाय डेल वाई. डेल यू बाय डेल वाई दोनों में से कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन, और यहां पर x टाइम्स डेल स्क्वायर u. और देखो मैंने आपको चीज बताई हुई है, u आपके यहाँ पर ज्यादातर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही हैं, तो हमेशा जो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x. तो ये डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x में क्या लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y और प्लस में y डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू डेल u बाय डेल y. तो ये मेरा सेकेंड रिलेशन भी क्या हो गया, प्रूफ. थर्ड में अब देखो आपको क्या दिख रहा है, x स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मुझे चाहिए. तो आप देख रहे होंगे यहां पर एक्स इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो आ चुका है बट मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, और यहां पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया बट मुझे वाई स्क्वायर चाहिए. और देखो ये टू टाइम्स होकर आ जाएगा, तो दिख तो रहा है कि वन और टू को कुछ ऐड करके होना है बट दिक्कत यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की आ रही है. तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा यहां पर, तो आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट की, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई से, और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, है ना. तो देखो ये जब आप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को पूरा एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ये बनी. फिर प्लस करूंगी इस इक्वेशन से जो मेरी सेकंड आई है लेकिन वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन वाई डेल यू बाई डेल वाई, है ना. तो जब आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. देखो यहां पर भी एक्स वाई आया था, यहां पर भी एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई था, तो दोनों प्लस होके टू एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में से एन माइनस वन कॉमन. और इधर क्या बन चुका था, क्योंकि पूरी क्वेश्चन को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस इधर क्या बन चुका था, वाई डेल यू बाई डेल वाई. और ये चीज देखो आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई किसके इक्वल था, एन इंटू यू के. तो ये फाइनली मेरे पास किसके इक्वल आ गया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू. यही मुझे प्रूफ करना था. तो मैंने थ्योरम 5.7 भी हो गई है हमारी. अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत सिंपल सिंपल है. तो पहले आप ये तीनों थ्योरम्स अच्छे से हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर हम ये सॉल्व एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.